केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। लोहरदगा जिले के किसको थाना क्षेत्र के पाकर पठारी क्षेत्र में संचालित बीकेवी एवं बालाजी माइंस कंपनी में नक्सलियों ने 11 पोकलेन एवं जेसीबी वाहन मशीन में बीते मंगलवार की रात्रि लगभग 10:30 बजे आग लगा दी, जिससे बीकेवी एवं बालाजी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नक्सलियों द्वारा आग लगाए जाने के बाद से आसपास में निवास करने वाले लोगों एवं क्षेत्र में दहशत फैल गई है। इधर नक्सलियों द्वारा पाकर पठारी क्षेत्र में संचालित बॉक्साइट खनन माइंस बालाजी एवं बीकेवी में चल रहे वाहनों पर आग लगाए जाने की सूचना पाते ही पाकर पीकेट प्रभारी रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर पूरी स्थिति वस्तु का मुआयना में जुट गए हैं। लोहरदगा ब्यूरो अमर गोस्वामी के साथ किसको से हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। कैसे आग लगा इसके बारे में कुछ हमको मालूम नहीं है। रात को लोग अंदर 9:30 बजे 9:30 बजे गाड़ी वाला डाला गाड़ी से गया था, तो खबर गई कि आपका पाखरे में आग जला, मशीन में आग लग रहा था। ये बोला नहीं, उधर आपका पूरा पत्र भी आग जला, तो एक डाला गाड़ी ड्राइवर बता रहा था कि आग जला हुआ है। तुरंत दरोगा सब निकले वहाँ से पिकेट से, देखे हम लोग खाना खा सोने जा रहे थे, उसी टाइम ड्राइवर लोग को जगाया, तो लोग से बात है गाड़ी से मशीन आग लग रहा है, उससे कोई जानकारी नहीं है सर।